दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली खतरनाक खिलाड़ी मानते हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे चौथे टेस्ट मैच के पूरे मैच का हाईलाइट, साथ ही साथ चौथे दिन का पूरे रोमांचक हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। वीडियो बने अंत तक देखें दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों भारत की टीम जब चौथे टेस्ट मैच खेलने होती थी, भारत की टीम का अनुमान था कि आस्ट्रेलिया टीम को 300 के अंदर ही रोकने पर दोस्तों आस्ट्रेलिया टीम की बल्लेबाजी देख भारतीय टीम भी नतमस्तक हो गई। भारतीय टीम की गेंदबाजी फेल हो गई। दोस्तों आस्ट्रेलिया टीम ने पहली पारी में 480 रन का आंकड़ा छू लिया, जैसे देख भारतीय टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। दोस्तों देख के लग रहा था भारतीय टीम भी क्या कर पाएगी, क्योंकि भारतीय टीम गेंदबाजी कुछ खास नहीं कर पाई पहली पारी में। उसके बाद आस्ट्रेलिया टीम ने 480 रन का आंकड़ा छू लिया, जैसे देख भारतीय टीम के बल्लेबाज भी सोच रहे थे कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी कैसी रहेगी। पर दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाज शुभम गिल, विराट कोहली और अक्षर पटेल और सीकर भर्त के आगे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी फैले हुए। दोस्तों भारतीय टीम की जब बल्लेबाजी उतरी तो रोहित शर्मा और शुभम गिल ने पार्टी को संभाला और शुरुआती रोहित शर्मा मात्र 35 रन के आउट हो गए। भारतीय टीम झटका लगा 74 लगभग 74 रन के स्कोर पर भारतीय टीम पहला विकेट खो चुकी थी कप्तान रोहित शर्मा के रूप में। दोस्तों को इसके बाद 36 से पुजारा और शुभम गिल ने पारी को संभाला। शुभम गिल ने भाई बहुत अच्छी पारी खेली, 128 रन का योगदान दिया 235 गेंदों में और 36 से पुजारा 42 रन बना के आउट हो गए। दोस्तों जब देख के लग रहा था भारतीय टीम लड़का जाएगी, पर एक बार फिर विराट कोहली, पूर्व कप्तान विराट कोहली ने पारी को संभालते हुए रविंद्र जडेजा के साथ ही शतकीय पारी खेली और उन्होंने रविंद्र जडेजा 28 रन की पारी खेली 84 गेंदों में और पारी संभालते हुए रविंद्र जडेजा 2 चौके और 1 गेंद में छक्का भी लगाया। दोस्तों उसके बाद सीकर भर्ती के साथ विराट कोहली ने पारी संभालते हुए भारतीय टीम को 500 के करीब पहुंचा दिया और भारतीय टीम तरफ से विराट कोहली 186 रन की पारी खेली 364 गेंदों में और सीकर भर्ती ने 88 गेंदों में 40 रन की पारी खेली। उन्होंने टेस्ट को वनडे बनाते हुए 2 चौके 3 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। दोस्तों हम आपको बताएं सीकर भर्ती के बाद अक्षर पटेल 79 रन की पारी खेली। सीकर भर्ती अभी तक पूरी सीरीज में एक भी बार फ्लॉप नहीं थे। सीकर भर्ती ने पहले भी 50 लगाई है, उन्होंने इस बार भी चौथे टेस्ट मैच 79 रन की पारी खेली 113 गेंदों में, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के 5 चौके भी लगाए। दोस्तों उसका आसू ने 7 रन की पारी खेली। दोस्तों सीकर भर्ती 44 रन और अक्षर पटेल 79 और रविंद्र जडेजा 28 विराट कोहली 186 रन की पारी के साथ ही भारतीय टीम ने 571 रन का आंकड़ा छू लिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम चौथे टेस्ट में जीत पाएगी या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एक बार, साथ ही साथ लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों भारतीय टीम ने पहले पारी में 51 रन की लीड बना ली है, क्या ऑस्ट्रेलिया टीम 51 लीड खत्म कर चौथा टेस्ट में जीत पाएगी या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। क्योंकि भारतीय टीम चाहती है कि चौथा टेस्ट में जीत जाएगा, भारतीय टीम चौथा टेस्ट में जीत जाएगी। ऑस्ट्रेलिया से 3-1 से सीरीज जीत ली बॉर्डर क्रॉस की ट्रॉफी और साथ ही साथ WCC के फाइनल में पहुंचने के लिए 100% संभावना पूरी हो जाएंगी। दोस्तों क्या भारतीय टीम ऐसा अनुमान कर पाएगी या नहीं, क्योंकि भारतीय टीम 51 रन बना पाएगी, ऑस्ट्रेलिया टीम 3 रन के स्कोर पर 0 विकेट है। भारतीय टीम 5वां दिन क्या खास कर पाएगी, भारतीय टीम गेंदबाजी पहली पारी में फ्लॉप रही है, रविंद्र जडेजा ने बहुत कुछ खास नहीं कर पाया, सुनिए 6 विकेट चटकाए थे। क्या भारतीय टीम के खिलाड़ी 5वें दिन चौथे टेस्ट मैच में भी क्या अश्विनी की पारी ऐसी हो पाएगी, क्या अश्विनी फिर भी 6 विकेट ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अश्विनी 6 विकेट चटकाए थे। रविंद्र जडेजा कुछ खास नहीं हुए, मात्र 1 विकेट लिया था पहली पारी में, क्या दूसरे पारी में अपना चक्कर भी बना पाएंगे या नहीं, क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ लेटेस्ट के न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।